नमस्कार। फरवरी महीने की 16 तारीख को राहुल गांधी ने संसद के बजट सत्र के दौरान देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से एक सवाल पूछा था, जिसमें राहुल गांधी ने देश के टॉप 50 विलफुल लोन डिफॉल्टर्स के नाम पूछे थे। विलफुल डिफॉल्टर्स यानी वो लोग जो लोन चुकाने में सक्षम तो हैं लेकिन चुका नहीं रहे। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद आरटीआई के माध्यम से आरबीआई से इसका जवाब मांगा गया। जवाब मिला तो पता चला कि देश के बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है, यानी राइट ऑफ कर दिया है। लेकिन हर तरफ यही बात सामने रखी जा रही है कि सरकार ने मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों का कर्ज माफ कर दिया है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। पहली बात तो ये, आरबीआई कभी किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को लोन नहीं देती और उस लोन को माफ करना या राइट ऑफ करना भी आरबीआई का काम नहीं होता है। तमाम न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स पर लोगों को सिर्फ यही बताया जा रहा है कि सरकार ने मेहुल चौकसी और माल्या जैसे भगोड़ों का लोन माफ कर दिया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। लोन माफ करने और लोन राइट ऑफ करने में बहुत फर्क होता है और उस फर्क को समझना जरूरी है। कर्ज माफी की प्रोसेस में सरकार या बैंक कर्जदार की इकोनॉमिकल सिचुएशन का आकलन करते हैं और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कर्जदार ने मजबूरी में कर्ज नहीं चुकाया या नहीं चुका सकता, उसके कर्ज को माफ कर दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो उसकी देनदारी खत्म मान ली जाती है और उससे वसूली रोक दी जाती है और उसकी भरपाई ज्यादातर मामलों में खुद सरकार करती है। किसी कर्ज को राइट ऑफ करना या बट्टे खाते में डालने का मतलब यह है कि बैंक को उस कर्ज का अब कुछ भी मूल्य या हिस्सा मिलने की उम्मीद नहीं है और वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया की मदद लेनी पड़ेगी, और इस प्रोसेस के दौरान बैंकों को कुछ रकम वापस मिल जाती है या तो उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलता। लोन राइट ऑफ तब किया जाता है जब कर्जदार लोन चुकाने में सक्षम तो है पर वह अलग अलग बहाने बनाकर लोन नहीं चुकाता। 2016 में जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, तब भी लोन राइट ऑफ करने को लेकर एक स्पष्टीकरण भी सामने आया था। उम्मीद करते हैं कि आपको राइट ऑफ और लोन माफी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम ऐसी नौबत तो ना ही आए कि सरकार को इन भगोड़ों का लोन चुकाना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो सरकार से एक और उम्मीद करेंगे कि किसानों और आम आदमियों के लिए भी ऐसी ही कोई व्यवस्था की जाएगी। हफ्ता वसूल की रिपोर्ट।